माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर आज फैसले का दिन। साल 2007 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या पर एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। फैसले से पहले की बात है जब कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने कोर्ट पर भरोसा जताया था। पिछली सरकारों में गवाहों पर दबाव बनाने के आरोप भी लगाए गए थे पीयूष द्वारा। मुख्तार पर कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और मर्डर का भी आरोप। 6 मई को होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के आरोप लगाए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। पास्को एक्ट और छेड़खानी की धाराओं के तहत केस दर्ज। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण सेक्सुअल असॉल्ट केस में 7 महिला अधिकारी जांच में शामिल हुई। 7 अधिकारी एसीपी को करेंगी रिपोर्ट। डीसीपी को सौंपी जाएगी फाइनल रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने से पहले दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के करीब 10 इंस्पेक्टर को थाने बुलाया गया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी अधिकारियों को बुलाकर ली मीटिंग। पुलिस सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में बढ़ेगा दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा। विदेश में भी की जा सकती मामले की जांच। पहलवानों ने की ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग। धरने पर बैठे पहलवानों ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह को जेल भेजा जाए, नहीं तो धरना चलता रहेगा। रेसलर बजरंग पुनिया ने जारी किया वीडियो। दिल्ली पुलिस पर लगाए धरना स्थल की बिजली काटने के आरोप। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि धरना स्थल पर खाना और पानी नहीं लाने दे रही पुलिस। आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। पहलवानों के आरोपों पर जी न्यूज से बोले ब्रजभूषण सिंह। कहा धरना खत्म करने के लिए इस्तीफे को तैयार हूं। आज अतीक की बहन आयशा नूरी के सरेंडर एप्लीकेशन पर सुनवाई। आयशा पर उमेश पाल हत्याकांड के फरार शूटरों की मदद करने का आरोप। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों आरोपियों की पेशी। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर मामले की होगी मजिस्ट्रियल जांच। जांच के लिए झांसी के नगर मजिस्ट्रेट अंकुश श्रीवास्तव को किया गया नामित। मजिस्ट्रियल जांच को लेकर अगले एक सप्ताह तक दर्ज होगा बयान। लिखित या फिर घटना से जुड़े सबूतों को किया जा सकता है पेश। प्रयागराज में माफिया अतीक के ससुराल में मिला पुराना एल्बम। चुनाव से लेकर कई कार्यक्रमों की फोटो आई सामने। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने माफिया अतीक पर लगाए धर्मांतरण के आरोप। राजू दास ने गुड्डू मुस्लिम को आयुष चौधरी बताया है। शाइस्ता परवीन का 2 वीडियो आया सामने। वीडियो में शाइस्ता के साथ 5 लाख का इनामी शूटर अरमान भी मौजूद। अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ। बरेली में मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था सद्दाम। कर्नाटक में आज से पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा। 2 रोड शो और 6 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में चुनाव को लेकर बीजेपी ने पकड़ी है रफ्तार। जेपी नड्डा और अमित शाह अलग अलग जगहों पर रोड शो के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद गई थी लोकसभा की सदस्यता। राहुल ने फैसले को दी है चुनौती। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के खिलाफ आरोपों पर फैसला सुना सकती है कोर्ट। आफताब पर श्रद्धा की हत्या के बाद शव को टुकड़े टुकड़े करने के आरोप है। जेद्दा से 231 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली के लिए रवाना हुई 5वीं आउटबाउंड फ्लाइट। अब तक सूडान से लगभग 1600 भारतीयों की हुई वतन वापसी। आईएनएस सुमेधा पोर्ट सूडान से 300 यात्रियों को लेकर जेद्दा के लिए हुआ रवाना। ऑपरेशन कावेरी के तहत ही भारतीयों का 13वां जत्था है। सूडान में फंसे 135 और भारतीय जेद्दा पहुंचे 12वें जत्थे के साथ। कुल मिलाकर करीब 2100 भारतीयों को सूडान से निकाला गया। गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को नहीं होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। चंपत रॉय ने तारीख को बताया अफवाह। श्रीनगर में मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने दी मेजबानी। 60 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा।
जिया खान सुसाइड केस में बरी हुए एक्टर सूरज पांचोली। सूरज ने कहा, केस को जीतने के बाद मेरा जो आत्मविश्वास है, मेरी जो गरिमा है, उसको मैंने वापस पाया है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों को दिया आदेश। हेट स्पीच में खुद से दर्ज करें केस, शिकायत न होने पर भी दर्ज करें केस। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने सोनिया गांधी को कहा विश्वकन्या। सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस ने जताया कड़ा एतराज। अशोक गहलोत ने कहा, मामले के खिलाफ पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाने साधे, ये कहा कि पीएम मोदी अपने ऊपर हुए कमेंट को इलेक्शन के लिए तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, जब जब कांग्रेस ने पीएम को गाली दी तब पीएम का कद और बढ़ा है। गजेंद्र सिंह शेखावत का सीएम गहलोत पर सियासी वार। शेखावत ने सीएम गहलोत को बताया राजनीति का रावण। सीएम गहलोत ने गजेंद्र शेखावत पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पत्थर फेंकेगी तो उससे स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। बिहार में आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई को लेकर सियासत काफी तेज है। दरअसल सीएम नीतीश ने कहा कि नियम प्रक्रिया के तहत 27 कैदियों की रिहाई हुई है, ये राजनीतिक मामला नहीं है। गिरिराज सिंह का धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान। कहा, धीरेन्द्र शास्त्री मक्का मदीना नहीं बिहार आ रहे हैं, उन्हें रोकना गलत। पुजारी हत्याकांड में आतंकवादी अर्श डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने शुरू की कार्रवाई। मेरठ के 2.5 लाख के नामी बदन सिंह बद्दू के गुर्गे से परेशान एनआरआई महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। 2005 में जमीन कब्जाने का मामला। कश्मीर के शबीर हुसैन खान ने पिछले 42 सालों में 182 पॉइंट्स रक्तदान किया। ब्लड मैन ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं शबीर हुसैन खान। चूरू में ज्वेलर को लूटने आए बदमाशों का कांस्टेबल से हुआ सामना। 3 बदमाशों से अकेले भिड़कर कांस्टेबल रमेश ने दिखाई बहादुरी। गुरुग्राम में श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात हुई है। नेवी के पूर्व कुक ने अपनी पत्नी को मार दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। अवैध संबंधों के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी के साथ किया आदिवासी स्कूल का दौरा। बच्चों के साथ डांस करते नजर आए दोनों। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। लाभार्थियों के साथ भजन कीर्तन में शामिल हुए। पीर पंजाल रेंज की ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान चलाया गया। बिहार के बक्सर में लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। हथियार तस्करों को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस की टीम। यहां मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वन विभाग ने 2 शिकारियों को किया गिरफ्तार। शिकारियों से 4 बंदूकें बरामद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए। 10 लोगों से कर चुके थे 35 लाख रुपए की ठगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेना के रिटायर्ड जवान ने खुद को मारी गोली। अस्पताल में जारी है इलाज। झारखंड के बोकारो में बस ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत हुई। स्थानीय लोगों ने बस में की तोड़फोड़। जमुई में तेज रफ्तार बाइक और ऑटो की टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। एक शख्स बुरी तरह घायल। राजस्थान के पाली में ट्रक से अवैध शराब की बड़ी खेप मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने धारदार हथियार से की युवक की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के फरुखाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत हो गई है। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में फैशन डिजाइनर की मौत। घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में रोड पर स्टंट करते नजर आए युवक और युवती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सतना में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। महिला को किया घायल। वन विभाग ने किया तेंदुए का रेस्क्यू।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सोने की तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना बरामद। बिजनौर में तेंदुआ दिखने से इलाके में दहशत, 1 सप्ताह में 3 लोगों की जान ले चुका है तेंदुआ। उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी, 4 धाम के क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। पाकिस्तान में पीटीआई नेता परवेज इलाही के घर पर छापा, दरवाजा तोड़कर घर में घुसी पुलिस की टीम, महिला समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए। यूक्रेन के ओमान में रूस ने दागी मिसाइलें, हमले में 4 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत। यूक्रेन के दोनेस्क में रूस की अटैक में तबाह हुई बस, 7 मासूम लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन में रूस के हमलों को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा रूस पूर्व सहयोगियों के नियमों का पालन नहीं करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई है बात। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख बोरेल की अपील, यूक्रेन में रूस के आक्रमण को खत्म करने का किया आह्वान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा है बहुत जल्द $12 अरब का हो सकता है रूसी ड्रोन उद्योग। सूडान की राजधानी खार्तूम में जारी है हिंसा, भारी गोलीबारी और धमाकों में तबाह हुई कई इमारतें। सूडान की कैपिटल खार्तूम में बढ़ी खाद्य संकट की आशंका, दुकानों में होने लगी खाने की सामान की भारी कमी। ईरान के विदेश मंत्री ने किया लेबनान की सीमा का दौरा, उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह का समर्थन किया। इसराइल में न्यायिक सुधारों का विरोध जारी है, यरूशलेम की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। मेक्सिको के माइग्रेशन सेंटर में आग की फुटेज आई सामने, सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में दिखा हादसा। Z News.